सब्जेक्टिव टेस्ट है या ऑब्जेक्टिव टेस्ट है? सब्जेक्टिव टेस्ट है। अच्छा सो सुन लीजिए, अगर ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, सुन ले मेरी बात जो है, अगर ये सब्जेक्टिव टेस्ट है तो हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपका सिलेबस जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इज इट ओके? मेडिकल वाले जो है, ठीक है, जो मेडिकल वाले सर हैं, आर के सर जो है, वो एक बार दे देंगे। अदरवाइज उसमें भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आएगा ही, ठीक है। मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, इट इज बोथ फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो हम लोग अब सुने, हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में हमने, वो आपको इंफॉर्मेशन अलग से मिल जाएगी, लास्ट लेक्चर में हमने जो है जो किया था दैट वाज कि हमने आरडीएस, हमने कहा था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसका हमने पहला केस कर लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज सेकंड केस, केस सेकंड। अब सेकंड केस में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुन ले। आपके पास जो है एक रिएक्शन दे दी हुई है, ठीक है, रिएक्शन में है 2O3 गिविंग यू 3O2, ये रिएक्शन है, इसके दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में O3 गिविंग यू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, दूसरे में नेसेंट ऑक्सीजन प्लस O3 गिविंग यू 2O2, ठीक है। तो इसका ओवरऑल जो है यही रिएक्शन हो जाएगी। इंटरमीडिएट इसमें नेसेंट ऑक्सीजन है, इंटरमीडिएट आप देख रहे हो नेसेंट ऑक्सीजन बीच में ही बन रही है, बीच में ही कंज्यूम हो रही है। इज इट ओके? अब हमने देखना है कि इसको सॉल्व किया कैसे जाएगा। सो इसका सॉल्यूशन, अच्छा ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, सुन ले, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप है और ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप होने की वजह से मतलब आरडीएस तो ये ही होगा ना, तो हम कह सकते हैं, सुनो, मान लो इसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू है K1, लेट इट्स रेट कांस्टेंट्स वैल्यू बी K1, ठीक है, K1 मान लीजिए, K मान लीजिए, कोई बात नहीं। सो दैट मींस रेट इज इक्वल टू K1 इंटू नेसेंट ऑक्सीजन इंटू O3, सही बात है। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, सुन लो, लेकिन अब मामला यह है कि हम ऑक्सीजन की फॉर्म में रेट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप समझते हैं क्या? बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? इज द बोर्ड वेरी क्लियरली विजिबल टू यू? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम? लेट मी, मुझे लगता है अब क्लियर है।
ठीक है सुन लो। हाँ अब चमक रहा है, ठीक है। नहीं 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 अब फॉगीनेस भी हट गई मुझे लगता है, ठीक है सुन लो। तो अब रेट इज इक्वल टू के वन इंटू ओ। हाँ अब मैंने जैसा लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप इंटरमीडिएट की टर्म्स में रेट को नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है, और नेसेंट ऑक्सीजन जो है रिएक्शन के दौरान बनी है, ना ही वो रिएक्टेंट है ना ही वो प्रोडक्ट है, सही है बात। तो हमें इस नेसेंट ऑक्सीजन की टर्म को जो है इसमें से हटाना होगा, तभी हम फाइनली जो है अपने रेट एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो सुनो क्या करेंगे, अब आप जानते हो कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहां भी है ऊपर वाले स्टेप, तो अगर इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम लिखूं, सुनो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर के इक्विलिब्रियम लिखूं, सो आई कैन राइट कि के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ओ टू इंटू ओ अपॉन ओ थ्री। बोलो इलेवंथ में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम किया था, सो कैन यू गेट दिस के इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को ऐसे लिखा जाएगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें, हम लिख सकते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू ओ थ्री अपॉन ओ टू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेसेंट ऑक्सीजन को इस टर्म्स में लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के वन इंटू के इक्विलिब्रियम एंड देन ओ थ्री अपॉन ओ टू। Is that clear? और उसके बाद जो है हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नेसेंट ऑक्सीजन की जगह ये वैल ये लिख दिया, तो ऐसे लिखा जा सकता है ये K1 और K इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट ही है, लेट दैट कांस्टेंट बी K, क्योंकि वो तो वेरी करना नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू K इंटू ओ थ्री का स्क्वायर एंड ओ टू की कंसंट्रेशन का इनवर्स माइनस वन, इज इट ओके। सो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू टू माइनस वन, दैट इज वन। बोलो बच्चों ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? अश्मी को आ गया, आकाश, हार्दिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है, नाइस नाइस, वेरी गुड। आ गई समझ में? चलिए, सो अब हम बढ़ते हैं आगे। मतलब आप ऐसे देखो, दोनों केसेस मैंने करा दिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आईटी का कंपटीशन का प्रिय जो पोर्शन है वो ये है, ठीक है, कि ऐसे जो है हम ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, इट्स इजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब एक तरह से हम बिल्कुल लास्ट हिस्से में हैं टॉपिक के, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के काइनेटिक्स। यहां पे हम दो तरह की रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं पैरेलल रिएक्शंस। अब व्हाट इज देयर इन पैरेलल रिएक्शंस? देखो पैरेलल रिएक्शन होती कैसे, पैरेलल रिएक्शन ऐसे हो गई कि मान लो ए इज गिविंग यू बी एंड साइमल्टेनियसली ए इज गिविंग यू सी। ए इज गिविंग यू बी, ए इज गिविंग यू सी। क्या आप समझ रहे हैं पैरेलल रिएक्शन का मतलब? इसका मतलब ये नहीं है कि ए इज गिविंग यू बी प्लस सी। इसका मतलब ये है कि ए जो है आइदर बी दे रहा है आइदर सी दे रहा है, दे दोनों साइमल्टेनियस दे रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? उदिता कह रही है हाउ। अब देखो उदिता, इसको मैं अब कैसे समझाऊं, सुनो। आप ऐसे सोच लो, सुन लो, जैसे आपके पास मान लो सपोज छोटे छोटे जो प्लास्टिक के पीसीज हैं, प्लास्टिक के स्क्वायर ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे, ऐसे आपके पास प्लास्टिक के क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं। अब ये जो क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं, इसमें से आपने कुछ को मोल्ड करके, कुछ को मोल्ड करके जैसे सर्कल बॉल्स बना ली, ठीक है, और कुछ से जो है आपने ऐसे ट्रायंगुलर खिलौना बना लिया। इज इट ओके? हर एक ब्लॉक से एक ही शेप बनाई आगे, तो कुछ से आपने बॉल्स बना ली, कुछ से आपने ट्रायंगुलर कोनिकल शेप्स बना ली। इज इट ओके? दिस इज पैरेलल। मतलब ये जो है कुछ इसमें जाएंगे कुछ इसमें जाएंगे। इज इट ओके? रेशियो अलग ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, बट दिस इज पैरेलल रिएक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई उदिता जी? ओके चलो अब बात करते हैं। अब हमने इसके काइनेटिक्स को समझना है। देखो एक बात तो ये है कि t इज इक्वल टू जीरो पे इसके a मोल्स हैं, t इज इक्वल टू जीरो पे इसके जीरो मोल्स हैं, t इज इक्वल टू जीरो पे इसके भी जीरो मोल्स हैं। लेकिन आफ्टर टाइम t, सुन लो, अगर इसके x मोल्स होते हैं और आफ्टर टाइम t अगर इसके y मोल्स होते हैं, सो टाइम t पर इसके हो जाएंगे a माइनस एक्स माइनस वाई। सही बोला कि नहीं? पहले ये बताओ इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ, एक रिएक्टेंट जो है दो प्रोसेस को साइमल्टेनियसली जा रहा है। आकाश को समझ आ गई बात, ठीक है। सो ये हो गया। ओके अब हम इसका मान लो रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2 है, इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है, तो ओवरऑल हमने k इफेक्टिव कह दिया। ओवरऑल को जो हमने k इफेक्टिव बोल दिया। इज इट ओके? मतलब b की फॉर्मेशन का रेट कांस्टेंट जो है k1 है, c की फॉर्मेशन का k2 है, और ओवरऑल जो है, ठीक है। अच्छा अच्छा, लेफ्ट साइड में थोड़ी सी ट्रबल आ रही है, एक मिनट। अब ठीक है। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया, सुन लो।
नीट वालों को इसकी जरूरत नहीं है, नीट वाले डोंट रिक्वायर दिस, इज इट ओके? अच्छा सुन लो, नीट वाले आप आराम से बैठिए, अभी आपका कोई काम नहीं है, ठीक है, आज के लेक्चर में, इज इट ओके? आपने देखना है, यू कैन सिट एंड वॉच, सॉरी। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के वन ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू के टू ए। सही है बात, क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट के वन है, इसका रेट कांस्टेंट के टू है, सही है, और दोनों ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि बन तो ए से ही रहे हैं ना। सो दिस इज, और साथ में एक बात ये भी है कि माइनस डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी प्लस डी सी अपॉन डी टी। एनी डाउट? क्योंकि एक मोल से एक ही मोल बन रहा है इसका, एक ही मोल इसका बन रहा है, तो मतलब सपोज इसके तीन मोल बने, इसके दो मोल बने, तो ए के तो पांच मोल कम हुए होंगे ना। सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। समझ आ रही है सबको बात? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन ए प्लस के टू ए, दैट इज इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू ए, और साथ में के वन प्लस के टू इज इक्वल टू के इफेक्टिव। के इफेक्टिव मतलब इन दोनों का सम, के इफेक्टिव, इज इट ओके? तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां से के 0.693 अपॉन टी इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी वन प्लस 0.693 अपॉन टी टू। अब सुनो इसका मतलब क्या है, देखो ना भाई, के इफेक्टिव इज के वन प्लस के टू, और के क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, 0.693 अपॉन टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम, तो ये हाफ लाइफ टाइम ही है इनके, टी वन टी टू, ठीक है। सो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि वन अपॉन टी इफेक्टिव इज इक्वल टू वन अपॉन टी वन प्लस वन अपॉन टी टू। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? ये हाफ लाइफ फॉर डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन ऑफ बी, हाफ लाइफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी, एंड इट इज ओवरऑल हाफ लाइफ। ये ऊपर का किया, देखो ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, के क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, इट इज हाफ लाइफ टाइम, डन। समझ आ गई बात? आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए।
तो ये आपको याद रखना है। अब सुनो, हमने हमने ये पढ़ा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के इफेक्टिव टी। बोलो, इसके लिए हम ये लिख सकते हैं ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इनिशियल कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना, जो हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर लिखी थी उसके लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो वी नो दिस, इज इट ओके? ओके, तो ऐसे में सुन लो, एंड इट इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, एंड डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए, ठीक है। और तो ऐसे में हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू के वन ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। भाई ये चीज हमने ए की जगह ये लिख दी, ठीक है, ये आ गया। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे we will get concentration of B at any time t is equal to ठीक है। जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये आप डायरेक्टली याद रख ले कि कंसंट्रेशन ऑफ बी एट पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इज इट ओके? ये आपको रेडीमेड याद रखना, ठीक है, बट ये इसको सॉल्व करके आए, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो इसके एंड इज इट ओके? यहां पर के वन की जगह के टू आ जाएगा। सिमिलर सॉल्विंग जो है हम सी के लिए करेंगे, सुनते जाइए। नाउ लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फोर, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर फाइव। सो बाय डिवाइडिंग फोर विद फाइव, इक्वेशन फोर को जब फाइव से डिवाइड करेंगे सो आपके पास आ जाएगा बी अपॉन सी इज इक्वल टू के वन अपॉन के टू। खास बात ये है, बी अपॉन सी इज के वन अपॉन के टू, ठीक है। दिस अपॉन दिस विल बी गिविंग यू दिस, आप देख रहे हो सब खटा खटा कटेगा, ठीक है। ये ए ए के वन अपॉन के टू जो है ये आ जाए, ये आपने ध्यान रखना है कि आप इसको याद रखें कि किसी भी टाइम पे जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज टू सी है वो के वन इज टू के टू होना है, इज इट ओके? नोट कर लीजिए पहले,
अगर आप इसको नहीं याद कर सकते, आप इसको याद रखें। नोट कर लिया आपने? चलो आकाश अभी कर रहा है नोट, कीजिए कीजिए। चलिए बस अब इसमें से थोड़ा सा और बचता है। अब हमने जब ये लिखा कि k इफेक्टिव इज k1 प्लस k2, सो हम ये भी लिख सकते हैं k इज a इफेक्टिव इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ea अपॉन rt दैट इज इक्वल टू a1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए वन अपॉन आर टी प्लस ए टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए टू अपॉन आर टी। पहले मैं आपको इस बात को समझा देता हूं। आप जानते हैं जो आर इनियस इक्वेशन हमने की थी, के इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी हमने किया था। इज इट ओके? So, मतलब टोटल नंबर ऑफ ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मान लो ए इफेक्टिव हुए, उसमें बी को प्रोड्यूस करने के लिए ए वन हुए और सी को प्रोड्यूस करने के लिए ए टू हुए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये पूरा तो के वन ही हो गया, ये पूरा के टू हो गया। एंड इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट रिएक्शन, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकेंड रिएक्शन। इज इट ओके? So, ये रिलेशन वैलिड है। सबको ये बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया कि वाई दिस इज इक्वल टू दिस? ओके। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे so डिफरेंशिएट करने पे वी विल गेट
देखो, जरूरी वो है जो कि यहां पे लिखा हुआ है, इट इज होल डेरिवेशन कि आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जीज ई ए वन के वन प्लस एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड K2 एंड K1+K2, आर यू गेटिंग दिस? ये फार्मूला याद रहेगा आपको कि नहीं? इजी फार्मूला है, नहीं डेरिवेशन नहीं करनी आर्यन बख्शी जी, ये कुछ नहीं करना है आपने, ये मैंने करवा दिया, आपको ये याद रखना है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जीज के बीच में भी नहीं आती यार, कोई सब्जेक्टिव एडजेक्टिव में नहीं आती है, जे एडवांस में भी नहीं आती, ये सिर्फ इसलिए कि हमने फार्मूला डिराइव कर लिया बस, ठीक है, कि कैसे आया है, हमें ये फार्मूला चाहिए बस, ये कुछ नहीं चाहिए। इज इट ओके? हाँ अभी सृष्टि जी, जो अपना स्टडी मटेरियल है उसमें देखना पैरेलल वाले क्वेश्चंस जो है कैसे हैं, मैं भी एक बार नजर डालते हैं हम, ठीक है, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लिया? चलिए सीक्वेंशियल रिएक्शंस, अब ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती? देखो सीक्वेंशियल रिएक्शन एक पैरेलल थी, अब हम सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सीक्वेंशियल में होता है कि ए से बी बना, बी से सी बना, ऐसे। सो मान लो टी इज इक्वल टू जीरो पे ये ए है, ये जीरो है, ये जीरो है, सो आफ्टर टाइम टी जो है ये कुछ ए माइनस, ठीक है, कुछ ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है, इसके सम वाई मोल्स बन गए, इसके जेड मोल्स बन गए, मतलब एक्स इज वाई प्लस जेड, है ना, आफ्टर टाइम टी, क्योंकि ये एक्स तो बनेगा लेकिन एक्स में से भी कुछ इसमें चले जाएंगे, इज इट ओके? तो वाई प्लस जेड विल बी एक्स, ठीक है। इसमें हम कुछ देखो, इसमें भी डेरिवेशंस तो है, ठीक है, हमने कुछ चीजें इसमें करनी है, दैट इज फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ठीक है, या कंसंट्रेशन, ये सॉरी, ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी,
concentration of Ca time t and then T max and then B max. इनका मतलब क्या है मैं बताता हूं. ये चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर पड़ती है. एक्सट्रीम जी एडवांस में भी बस एक आधी बार पूछ लिया गया क्वेश्चन तो हम इसको करवाने लग गए. अदरवाइज ये हिस्सा बहुत ज्यादा मतलब जिस इंपॉर्टेंस का नहीं. ठीक है, करेंगे तो हम जब कर रहे हैं ठीक है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन जो सेंटर वाला हिस्सा है आजकल उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं. ठीक है, सुन लीजिए. तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि मान लो ये रेट कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, तो A तो A से तो B ही बन रहा ना, अब कोई पैरेलल रिएक्शन नहीं है, A से तो सिर्फ B ही बन रहा है, आपको सिर्फ वही याद रखना है. सो K1 A, ठीक है. अच्छा, और सो AT तो हमने निकाल लिया, नोट करते जाना साथ साथ. रेट टू, इस रिएक्शन के लिए रेट टू इज इक्वल टू के टू बी. So that means आप सुन ले मेरी बात. यहां पे क्या है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, देखो बी बन भी रहा है और बी कंज्यूम भी हो रहा है, दो चीजें. बी बन भी रहा है, किस रेट से बन रहा है, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन. और कंजप्शन के टू वाई, जो उसकी कंसंट्रेशन होगी बी की के टू वाई, उस रेट से डिकम्पोज कर रहा है सी में. सही बात है. सो इस रेट से बन रहा है, इस रेट से डिकम्पोज हो रहा है. इस रेट से बन रहा है मतलब ये रेट ये है K1 वाला, ये जो हमने कहा है ना, ये यहां पे सिर्फ A लिख दिया हमने स्मॉल, आप कैपिटल A भी लिख सकते हैं. ठीक है, बस इस रेट से बन रहा है और इस रेट से कंज्यूम हो रहा है. इज इट ओके. सो दिस इज अच्छा. अब यहां पर मैं आपको ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं डाल रहा हूं, हम सीधे सॉल्व कर लेंगे इसको. दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ y, ठीक है, व्हाट इज y इज इक्वल टू के वन ए के टू प्लस के वन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के वन टी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टू टी. मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू जो है याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, हमें ये डेरिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन ये अंडरस्टैंड हो रहा है. लेकिन इसके बाद मैंने कैलकुलेशन नहीं की. ठीक है, मैं सीधे आपको, तो मतलब एक आपने ये तो आपको याद ही है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की है नॉर्मल, इसको आपने याद रखना है. इज इट ओके. ऐसे ही ऐसे ही हमने एक टर्म लिखी है. अब सुन लो, एक टर्म लिखी है हमने, दैट इज हमने लिखा है टी मैक्स.
ये टी मैक्स क्या है? टी मैक्स वो है, आप जानते हैं कि ए से बी, सुन लो पहले, ए से पहले बी तो जीरो है, धीरे धीरे ए से बी बनने लगेगा, तो बी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, लेकिन साइमल्टेनियसली बी से सी भी बनने लगेगा, और ए से बी का जो रेट है वो कम होता जाएगा क्योंकि ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम हो जाएगी, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, और बी का बढ़ता जाएगा क्योंकि बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन फिर जैसे जैसे बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बी से सी में कन्वर्जन भी बढ़ेगी, तो फिर से बी की कंसंट्रेशन डिक्लाइन होने लग जाएगी, तो मतलब एक बीच में टाइम आएगा जब जो है बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, उसको हम बी मैक्स कह रहे हैं, और जिस टाइम पर होगी उसको टी मैक्स कह रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? ए से बी बनेगा, ठीक है ना, लेकिन बी से सी भी बनेगा। ए से बी बनने का रेट सबसे पहले पहले ज्यादा होगा, हाँ सुन लो, सेम कंडीशन में बन रहा है, मैं कह रहा हूं कि ए से बी जब बन रहा है उसका रेट पहले सबसे ज्यादा है क्योंकि ए की कंसंट्रेशन सबसे पहले ज्यादा है, लेकिन बी से सी पहले कम है फिर बी टू सी ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, उसको हम टी मैक्स कहेंगे। सो सीधे सीधे लिख रहे हैं कि टी मैक्स विल बी इक्वल टू वन अपॉन के वन माइनस के टू ln of k1 upon k2, हम इससे सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बात, b max, this b max बेटा जी कंसंट्रेशन है, t max टाइम है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं। b max is maximum concentration of b कितनी होगी, t max है उसके लिए टाइम कितना लगेगा, ठीक है। ये what is y प्रभनूर जी, y इज द कंसंट्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमने निकालनी है कि b की कंसंट्रेशन कितनी होगी तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इज इट ओके? जब तक आप जे एडवांस के बारे में नहीं सोच रहे हैं तब तक आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मत पढ़िए, तो आप इसको लिंगर ऑन भी कर सकते हैं कि जब जे एडवांस के लिए स्पेशली पढ़ोगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना, ये पोर्शन आप उसके लिए भी रख सकते हैं। इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो जनरली जो ग्राफ होते हैं ना, देखो ग्राफ अगर हम देखें भाई ऐसे ही लास्ट में, नहीं 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 कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा अभी, अगर हम कंसंट्रेशंस के ग्राफ देखें टाइम के साथ तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि ए की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ साथ कम होगी और जो सी की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ बढ़ेगी और जो बी की कंसंट्रेशन है वो ऐसे होगी। सो दिस, इसको हम कहेंगे, इस पॉइंट को देन विल कॉल एट बी मैक्स, and it will be called as T max. Is it okay? ये ग्राफ तब आएगा जब K1 बहुत ज्यादा होगा K2 से,
अगर K1 कम होगा K2 से तो ये पीक जो है नीचे जैसे आएगी। ठीक है, मैं बता दूं ये तब आएगा ग्राफ तब अगर दूसरे वाला ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये B की कंसंट्रेशन है, ये तब होगा जब K2 इज ग्रेटर देन K1। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? सो दिस वॉज अवर चैप्टर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इसके साथ जो है केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है ना, और मुझे लगता है एक्सेप्ट इसके साथ नहीं, अभी मैं कोचिंग में नहीं हूं, मैं आया था लेकिन अभी मैं घर से ही ले रहा हूं क्लास। क्यों? अभी टीचर्स ले रहे हैं, कई मैला सर कोचिंग से ही ले रहे क्लास इलेवेंथ वालों की। ठीक है, नहीं मैं नहीं कराता, मेडिकल में मैं नहीं कराता हूं। ठीक है, सो आई होप आपने केमिकल काइनेटिक्स को एंजॉय किया होगा। ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं कि काफी ज्यादा पोर्शन तो ये कंफर्टेबल ही है, लास्ट लेक्चर तक तो ये सॉरी हाँ पिछली क्लास तक तो ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग ही था। आज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमने थोड़ी सी की तो उसकी वजह से ठीक है, लेकिन जो जो भी पूछा जाता है अगर जिसके भी चांसेस हैं वो हमने ठीक है लास्ट में कॉम्प्लेक्स करनी नहीं है मेडिकल वालों। ठीक है, सो अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर देखते हैं, अगला चैप्टर एक रह जाता है सरफेस केमिस्ट्री। अब लेट मी सी सरफेस केमिस्ट्री, आई एम थिंकिंग के मैं आर के सर को दूं क्योंकि मैं नहीं कराता हूं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसलिए जो है छोटा सा टॉपिक है। उदिता नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है तो एनसीईआरटी में? सृष्टि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है सिलेबस में, इसलिए नहीं किया। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पैकेज में दिया भी होगा, आप मेंस एडवांस नीट का पढ़िए। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही दिया है। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री को करेंगे। ठीक है, सो फिर मैं देता हूं सर को क्लासें जो है। ठीक है, या तो मैं ही ले लूंगा या तो आर के सर ले लेंगे। नहीं, ऑर्गेनिक मैंने आपको करवानी है। ठीक है, लेकिन अभी आई एम टेकिंग टाइम। ठीक है, हाँ उदिता वैसे तो मैं ही कराने का सोच रहा हूं लेकिन उसको मैंने कराया नहीं, बहुत टाइम हो गया। छोटा सा टॉपिक है, दो तीन लेक्चर्स का। ठीक है, ऑफलाइन बहुत जल्दी मिलने वाले हैं हम, ऑफलाइन में मुझे लगता है महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे हम। अब ओपन तो हो ही गया आज से। ठीक है, देखते हैं, नहीं तो मैं ही करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स ओवर, प्रैक्टिस करने लग जाइए, डाउट सेशन में पूछिए। ठीक है, एंड बिल्कुल ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो मैं कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर पकड़ लूंगा अगर जरूरत होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।